उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा हुआ है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनावों से ही मेहनत कर रही हैं। और इस बार का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी। और प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पार्टी की जमीन को मजबूत किया जाए। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी का फोकस मुख्य तौर पर ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों पर है। देखा जाए तो इन दोनों वर्गों की बीजेपी ने बिल्कुल उपेक्षा की है। वहीं देखा जाए तो पिछले दिनों ऐसी खबरें भी आ रही थी कि कई ब्राह्मण नेता बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने के लिए कांग्रेस के जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया है। वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार कोशिशें कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता के आम मुद्दों से जुड़कर उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाए और विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल की जाए। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज से। धन्यवाद।